ये गोलगप्पे पे सीसी करती लड़की डॉली है, जो हमारे आयुष की क्रश है। आयुष अपनी मैथ्स और साइंस के नोट्स देकर 4 महीने से डॉली को इम्प्रेस कर रहा है, पर अपने प्यार का इजहार करने से कतरा रहा है। डॉली आयुष के दिल से ऐसी चिपकी हुई है जैसे चाय की टपरी से पेमेंट का QR कोड। हमें देखना है कि क्या आयुष के प्यार का खाता डॉली के दिल के बैंक में खुल पाता है कि नहीं। भाई मैंने तो सोच लिया है, 12th के बाद जुबली बाजार में 1-2 फ्लोर का जिम डाल दूंगा। एसी जिम फॉर लेडीज एंड मेंस, ड्यूल सेक्स जिम, यूनिसेक्स जिम। हाँ सेम है, मैं तो बोल रहा हूँ दोनों भाई पार्टनरशिप में काम करते हैं। मैं फर्स्ट फ्लोर पे जिम डाल दूंगा, तू ग्राउंड फ्लोर पे प्रोटीन पाउडर की दुकान डाल ले, दोनों भाई मिलके ऐश और कैश करेंगे। मुझे तो पढ़ाई के बाद फिल्म मेकिंग सीखना है, ये जिम मेकिंग तू ही देख भाई। अच्छा तेरे डॉली वाले मैटर क्या हुआ, गाड़ी आगे बढ़ी तेरी? अभी तक तो नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ। तू सोच वोच मत, मेरी बाइक ले जा, मुझे पता है यार लड़कियां बाइक से इंप्रेस होती हैं। बस पेट्रोल एक्स्ट्रा डलवा दी। गुरु बाइक घुमा जल्दी। क्या हुआ? घुमा ना, डॉली है, डॉली है उधर मार्केट में। अबे फट्टू बोल दे आज, और मर्द का बच्चा है ना तो ना सुन के मत आइयो। फट्टू मत बुला मुझे। ओए आयुष, आयुष तुम्हारे नोट्स कब तक लौटा दूं तुम्हें? जब तुम्हारी तैयारी हो जाए। लेकिन फिर तुम कैसे पढ़ोगे, एग्जाम्स तो तुम्हारे भी है। हो जाएगा। पता है तुम्हारे नोट्स की वजह से मुझे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं ट्यूशन में। वाओ, फिर तो ट्रीट बनती है। जुबली स्वीट्स के मिठाई और गोलगप्पे खाने चले, फिर ऑटो ले लेंगे यहाँ से। मैं तुम्हारे ट्रिगो के नोट्स संडे को लौटा दूंगी, सैटरडे को मेरा टेस्ट है, और सैटरडे टेस्ट के बाद मैं फाइनली फ्री हो जाऊंगी। अच्छा संडे फ्री हो? हाँ। फिर तो तुम बताओ संडे को क्या करना है? जुबली पार्क में मेला लगा हुआ है, चलते हैं वहाँ। ठीक है, मैं तुम्हें संडे को बाइक से पिकअप करने आ जाऊंगा। बाइक से क्यों, टैक्सी ऑटो से चलते हैं ना सब साथ में, मैं तुम गुरु मीरा आदिल जूही। क्या हुआ, खजूर जैसे चेहरा उतर क्यों गया, अभी तो एक्साइटेड थे। मैं तो सोच रहा था बस मैं और तुम बाइक से। हेलो बाइकर बॉय, स्पीड स्लो करो, मैं खुद आ जाऊंगी। पापा स्ट्रिक्ट है मेरे, और कसम से उनका दिमाग तुम्हारी बाइक से ज्यादा स्पीड पर चलता है। लेकिन मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी। बोलो, अकेले हैं हम। नहीं अभी नहीं, संडे को बताऊंगा। वहां जाने से पहले कुछ टाइम के लिए अकेले मिल सकते हैं? ओके श्योर, जुबली चौक पे मिलूंगी तुम्हें आधा घंटा पहले। अभी तो बोल दो यार, क्या बताना चाहते थे? डॉली तुम्हारी और मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, हम साथ में बस सीट शेयर करते हैं, नोट्स एक्सचेंज करते हैं, तो क्या हम दोनों मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं? आयुष जस्ट बिकॉज हम नोट्स और बस सीट शेयर करते हैं,
ये मतलब नहीं कि हम सेम फीलिंग भी शेयर करें। तो तुम मेरे लिए फील नहीं करती? नहीं, तुम अच्छे दोस्त हो आयुष, और मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ भी फील नहीं करती। तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? तुझे डॉली फ्रेंड जोन कर रही है। तू नहीं बोलेगा तो किसी और से सेट हो जाएगी। लेकिन तुम मेरे से हंस के बात करती हो, साथ में लंच करती हो, तो तुम बातों का ज्यादा ही मतलब निकाल रहे हो। मेरी तरफ से ना है, तुम्हें ये समझना होगा। मर्द का बच्चा है ना, ना सुन के बताइए। लेकिन हम तो अच्छे दोस्त हैं ना? बस अच्छे दोस्त ही हैं, वो वाली फीलिंग नहीं है आयुष। वो क्या, कोई भी फीलिंग नहीं है? है, हम अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों की कोई कमी नहीं है मुझे। तो तुम्हें दोस्ती नहीं चाहिए? तुम्हारे जैसे दोस्त तो नहीं। नो प्रॉब्लम, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने। बाय। ऐसे लड़कों से दूर दूर ही रहना चाहिए। हर शाम की तरह चारों दोस्त आयुष के घर की छत पर मिल रहे हैं। अरे देवदास, क्या हो गया? बोल भी रहे, पारों को बेइज्जती करके चली गई क्या? गुरु, तू मुंह खोलता है और माहौल बिगाड़ देता है। इसे बोलने दे, तू चुप बैठ। तू पंचायत मत कर। भाई का हाल बिना पूछे दूसरा भाई। मेरे कान की मशीन भी तेरी बकवास से पक चुकी है। बैटरी बदल लियो फिर। यार तुम लोग लड़ना बंद करो। एक्चुअली डॉली ने मना कर दिया। आज की बात है ये? हाँ। लेकिन क्या हुआ? क्या बात हुई तुम दोनों में? बताता हूँ, प्रॉमिस, मजाक नहीं उड़ाओगे? ओए ड्रामे, बता भी दे, दिल हल्का हो जाएगा। मैंने बहुत ट्राई किया पर बात नहीं बनी। लड़कियों को कदर ही नहीं होती है हमारी। भाई मैं समझ सकता हूँ, गुस्सा और प्यार एक ही दिल में घर नहीं बसा सकते। गुस्से से ब्रेकअप कर और दिल में किसी और के लिए जगह रख। कोई और लड़की होगी जो तेरे लिए ही बनी होगी। हाँ आयुष, बस तू और डॉली एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तुझे पता नहीं, फिजिक्स ट्यूशन में रोहित ने मुझे कितना परेशान कर दिया था। मैं उसके साथ सिर्फ 3-4 बार बाइक से ट्यूशन क्या चली गई, मेरे पीछे ही पड़ गया। मना करने पे भी वो बार बार कुछ गिफ्ट दे जाता था। जब तंग आकर मैंने फाइनली उसकी कंप्लेंट सर से कर दी, तो पूरे ट्यूशन में फैला दिया कि मेरा बहुत लड़कों के साथ चक्कर चलता है। हाँ, कितनी बार लोगों को समझाया जाए कि ना का मतलब सिर्फ ना होता है। बस गुस्सा या जिद करना, पीछे पड़ना, इसे ना को बदल नहीं सकते। आए हाय। हाँ, मैं उसके लायक बन के दिखाऊंगा। ऐसे भट्टू की तरह जाएगा, लड़की को मना करेगी। अबे क्यों उल्टा ज्ञान दे रहा है गुरु, चुप कर जा। अब तो बिना ले लिया है, लड़की ने इसकी ले लिया है। गुरु, तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? आयुष छोड़ना यार, चैप्टर खत्म हुआ है, बुक बाकी है। हाँ आयुष, हमसे बात करके तेरा आधा लोड तो उतर ही गया होगा, और जरूरत पड़े तो तू भी विक्रम की तरह मेंटल हेल्थ डॉक्टर से हेल्प ले सकता है ना। Thank you.
अब सही लग रहा है यार। तो क्या कहते हो दोस्तों, चले गोलगप्पा खाने? चलो ये चलो। विक्रम भाई, ये था सेटिंग पक्की पंगे का सामना मेरे स्टाइल में। अब आप ही बताओ आपको कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब।